तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट अप टू 50th रैंक जो है वो होस्ट करेगा इंस्टीट्यूट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, नंबर वन कंडीशन वो जो कैंडिडेट ऑल पेपर बोथ ग्रुप के लिए आप अपियर्ड किए हैं नवंबर में, तो आपने ऑल पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। दूसरा जो है क्वेश्चन कि क्या अगर ग्रुप वन नवंबर में अटेम्प्ट किया है और सेकंड ग्रुप के लिए आप ऑप्ट आउट कर गए फ्रॉम नवंबर टू जनवरी 2021, तो क्या आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा? नहीं जी, नहीं आएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने जो है वन पेपर या दो पेपर किसी एक ग्रुप का नवंबर में अटेम्प्ट किया है और रिमेनिंग पेपर जो है जनवरी में अटेम्प्ट किया है, तो क्या रैंक आएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ऑप्ट आउट वही तभी कर सकते थे जब आप कंप्लीट ग्रुप का एग्जाम जो है आइदर नवंबर में या फिर जनवरी में दे पाए, तो ये कंडीशन ही अराइज नहीं होगा। तो रैंक उन्हीं लोगों का आएगा जो कि बोथ ग्रुप के लिए अपियर किए गए थे और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एग्जेम्पशन जो है मिनिमम 55% मार्क्स जो है आपका है, तो आपका नाम जो है 50th रैंक, अप टू 50th रैंक तक जो मेरिट लिस्ट आएगा वहां पे आपका नाम इंक्लूड हो सकता है। स्वागत है आपका यूबीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 जनवरी 2021 और आज सी इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पे ये अनाउंस कर दिया है कि आपको 1 फरवरी 2021 इवनिंग या फिर ट्यूसडे दी 2 फरवरी 2021 को रिलीज हो जाएगा CA फाइनल ओल्ड और न्यू कोर्स का जो रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आप देख पाएंगे ICIExam.ICI.org पे या फिर CAResults.ICI.org पे या फिर ICI.NIC.in पे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल से यानी कि 31 जनवरी से आप जो है अपना ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं ICIExam.ICI.org पे लॉग इन करके। वहां पे रजिस्टर करने के बाद आपका जो रिजल्ट है, आफ्टर इमिडिएटली डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट यू विल गेट द ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द रिजल्ट, यानी कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो मार्कशीट है, आपका जो किस पेपर में कितना आपको ऑप्टेन किए हैं वो डिटेल जो है आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा, इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। इस रिजल्ट को आप SMS के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। CA फाइनल ओल्ड कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो टाइप करेंगे CAFNLOLD स्पेस देकर अपना जो 6 डिजिट का फाइनल एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो इंटर करके आप सेंड कर दीजिएगा 57575 पर, तो आपको जो है रिजल्ट SMS के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। और CA फाइनल कोर्स के जो न्यू स्टूडेंट हैं वो टाइप करेंगे CAFNLNEW। NEW जो है ये कोड न्यू कोर्स के लिए है और OLD जो है वो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट के लिए है। ये टाइप करके आप स्पेस दीजिएगा और उसके बाद जो 6 डिजिट का फाइनल एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो इंटर करके सेंड कर दीजिएगा वो टेक्स्ट मैसेज 57575 पर, तो आपको जो है मोबाइल SMS के द्वारा भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, GST लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।